नमस्कार नुआ सकाळ रे सबु चासी भाई भणी मानकु अन्नदातार एक नूतन अध्याय को आपनकु स्वागत करूछि मु स्वागतिका एबे आसंस जिबा कार्यक्रम को आउ जानिबा मुख्यांश गुडीक आम राज्य दक्षिण एवं पश्चिमांचल जिला गुडीक रे मांडिया चास चासी मानक मध्ये बेस आदृत ए खरीफ ऋतु रे विभिन्न प्रकार कारणरु ए फसल रे अनेक रोग ओ पोक देखा देथाय सबरक मध्ये कांडबिंधा पोक हेउछि सबुठारु क्षतिकार ए पोक आक्रांत हेले फसल अमल कमी जाए एवं चासी भाई माने क्षति रे पड़ती तेणु पोक निराकरण पई प्रथम रु समन्वित उपाय रे परिचालना करबाक पड़े तेबे मांडिया फसल रे लागुथबा एहि कांडबिंधा पोक को किपरि नियंत्रण कर विरोधी परे आपनको पुनी थरे स्वागत आम साधारणत फूल चाष भितर मेरीगोल्ड से चाष रु बहुत लाभ एवं एपरिक दैनिक खर्च रु आम चाषी माने मेंटाई परिवा एही चाष करिया पूर्वरु आमे आर चारा प्रस्तुति एवं आर जो कटिंग्स रही विषय आमर निहाती जानवा दरकार साधारणत ये मकमल्ली गछ आमे खराटिया शीत दिनिया बर्षा दिनिया एपरिक वर्ष सारा भी आमे चाष कर चाषी माने साधारणत एही चारा गुड़िक सरकारी सरकारी दफ्तर रु ग्रहण करथांदी साधारणत चाषी मैंने निजे भी से रेज करें साधारण शीत दिन में आम जदि कौन माँ गछ जदि रखिथिबा ताकु आमे प्रति वर्ष आमे शीत दिने ताकु कटिंग्स बा डाळ काटिकी आमे लगे पारिबा जहाँकि गोटे गछरु आमे प्राय 20 रु 30 टी डाळ भी बाहर ताकु आमे चारा आमे प्रस्तुति करी आमे गछ करि परबे गेंडु चाष दुई प्रकार साधारण भाव आमे दुई प्रकार कहिबा साधारणत गेंडु चाष मंजीरु भी हिताए एवं गछर डाळरु हिते मंजीरु जो चाष करा जाए से मंजीरु शीघ्र आमर चारा बाहरि थाए एवं से चारा पटाळी करिवा पई आमे प्रथमे गोटे पटाळी करिवा 1 रु 1.5 मीटर बा 3 रु 4 मीटर ओसार एवं 1.5 फुट उच्चारे आमे गोटे पटाळी करिबा एपरि 5टी 10टी 12टी पटाळी करिबा आम अनुसार मंजी गुड़िक आमे आणिमा गेंडु मंजी गुड़िक एई जो पटाळी तयार करिबा एई पटाळी रो प्रथमे एई भर्मी कंपोस्ट जिया खत को आमे उन्नत भावरे ताकु मिसेइकरी आमे पटाळी तयार करिबा एई पटाळी रे फॉर्मालिन आमे पकेई ताकु आमे विशोधन करिबा एवं परवर्ती अवस्था रे मंजी को कैप्टन बा थिरम दे आमे ताकु विशोधन करिबा परवर्ती अवस्था रे मंजी छोटो होइतारु सेथरे बाली मिसे आमे धाड़ी के धाड़ी 5-6 सेंटीमीटर व्यवधान रे आमे जदि ताकु पकेबा तबे परवर्ती अवस्था रे ए मंजी रु गजा होई तापरे से चारा उत्पादन होइथाय एवं ए चारा उत्पादन होबा पय प्रथमे आमे ताकु घोड़े के रखिया पड़िबो जाय जोइटा हार्ड सीड कोट ताकु घोड़े के 2-3 दिन रखिया पड़िबो हवा परे चेरा गुड़िक गछ गुड़िक बाहर थाए एवं परवर्ती अवस्था रे ताकु आमे निज पटाळी रे आमे लगेबा जहाँकि इटा गजा हला बर्तन चेर हला चेर हवा परे एटा को नहीं आमे जदि चाष करिबा चाष करला परे सेथिरे माँ गछ आसिबो एटा हला छुआ गछ आसला बर्तन माँ गछ रे आसिबो तार व्यवधान रहिबो 10-15 फुट दूरता रे आमे आसिबो जहाँकि गछर ग्रोथ हबो ए गछ बढ़िया परे आमर प्रत्येक गछर पुणी आउ थरे ताकु कटिंग्स आमे व्यवहार करिबा एपरिकी कटिंग्स टाक जदि आमे व्यवहार करिबा तबे सेही कटिंग्स भी जदि आमे गछ लगेबा तबे सेथरु भी गछ होइथाय एठारे मे कहिबा उद्देश्य जे कटिंग करिया पई गोटिए डाळ रे 3-4 गछ रहइबो एवं एपरिकी गोटिए डाळ रे जे कटिंग्स काटिया पई प्रथमे गोटिए डाळ टी गोटे साइड रु भंगा जाय एवं ए भंगा जाय सेथरु 3-4 पत्र थाई ताकु गोटिए गोटिए गछ लगा जाय ये गछ लगेबा पई बोलिकी जदि पुणी आउथरे चारा करिबा ताकु आउथरे पुणी गोटे पटाळी करिबा बा माटी बा बाली माटी अंश अधिका बा बाली रखी ताकु आमे गजा करिबा गजा करिया पई हार्मोन रहिछि रुटेक्स रहिछि रुटेक्स ए बा सेराडेक्स ए रहिछि सेही हार्मोन लगेई ताकु जदि गछ फुटिबा 4-6 पत्र थाई जदि गछटी फुटिबा तबे सेथिरे चेर होई से गछ होइ द्वितीय रे जिबा आमर डाळ रोग जो कटा गछ लगेबा
এই যে কটা গছ যে শীত দিন এবার আসব এই যে শীত দিনে আমার কটা গছ দিয়া যায় এবে শীত দিনে আসলা বর্তমান এবার গছ দিয়া যাব মু এঠারে কহিলি ডেট ছাড়ি আপনার প্রতি গোটে মাস অন্তরে আপনার জন্মেশন করবে বর্তমান এবার সময় আছে চাষী মানে নভেম্বর মাসের এবার লগাইবে যা কিছু চারা প্রস্তুত যে আগর করে বা করবে এবেবি এই নভেম্বর মাসে লগাইলে সে ডিসেম্বর জানুয়ারি বেড়ে তাঁর ফুল আসিযোগ এবং এ হচ্ছে আপনার কটা চেরা কটা কাটবার চের খাই কাটবার ডাকু যদি আমি লগাইবা তবে এপারে কটা চেরে আমি কম করা যেপর ভাবে আমি মঞ্জির গছ লগাইলে সেইপরি যে কোণী গছর আপনার সেই যে কলর ভেরাইটি রয়েছে আপনার বর্তমান পিঙ্ক আসব এলোইস পিঙ্ক আসব ডিপ পিঙ্ক আসব রেড পিঙ্ক আসব এই গছগুলো লগাই প্রতি গছর আমি তাকে নিয়ন্ত্রণ করা উপর চোলগুড়ি কাটি ডাল কাটিকি মু প্রথম যেমনি বর্ষা দিন যে মঞ্জির গছ বাহি আমি কাটি এইটা বি সেইপরি কাটি আমি মাটি পটাড়ি করে মাটি বালির পটাড়ি করে সেথিরে গছ লগাইবা রুটেজ দিয়ে এর বংশবিধার করা কিছু গোটায়ে দেড় ফুট হব গছ হেলা পরে এখন আমি সংগ্রহ করা সংগ্রহ করি এখন আমি লগাইবা অর্থাৎ এখানে কহা উদ্দেশ্য যে আমার এই যে কাটবার শৈলীকে আমি যদি ঠিক রূপে অবলম্বন করা তবে এইপরি চারা প্রস্তুত করে আমি কটিংস রু বা বিহন মঞ্জি রু আমি যদি চাষ করা তবে পরবর্তী অবস্থায় আমি বর্ষ সারা লাভবান হয়েপার এবে গোটিয়ে ছোটিয়া বিরতির সময় বিরতি পরে রয়েছে আগকু শীত দিন এবে চালিছি বর্ষা দিন চাষী মানে অতি সরল কিসমর ফুলকোবি চাষ করবে বর্তমান তলি পকাই সারিছন্তি তো আউ কেতেক জায়গায় তলি লগাই সারিলেনি তবে চাষী মানে কেতেক দিগ প্রতি ধ্যান দেলে ফুলকোবি তলি পটিরু সুস্থ তলি পাইপারিবে এবং চাষ করি লাভবান মধ্যে হইপারিবে সেই বিষয়ে যাজপুর জেলার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রর উদ্যান কৃষি বিশেষজ্ঞ শ্রীমতী ববিতা মিশ্র কোন পরামর্শ দেইছন্তি আসন্তু জানি নবা আমি কিপর ভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরে সহল ফুলকোবি চাষ করে পারিবা বা সহল কিসম ফুলকোবি চাষ করিবা সে বিষয়ে আজ আলোচনা করিবা বর্তমান আমার সহলকোবি চাষ করিবা পাই চারা পকাইবার উপযুক্ত সময় হেলা অগস্ট মাস এই মাসরে হি আমি চারা পকাই থাও কো প্রকার জলবায়ুরে আমি ফুলকোবি চাষ করি পারিবা ঠান্ডা আদ্র জলবায়ুরে আমি ফুলকোবি চাষ লাভজনক ভাবে করি পারিবা মাটি কো মাটিরে আমি সহল কিসম ফুলকোবি চাষ ভালো ভাবে করে পারিবা বা আমি লাভজনক ভাবে করে পারিবা সে বিষয়ে আলোচনা করিবা নিগিড়া দোরসা বালিয়া দোরসা এবং জৈবিক পদার্থ রে ভরপুর থিবা মাটিরে আমি সহল কিসম ফুলকোবি চাষ লাভজনক ভাবে করে পারিবা এহা পাই তাপমাত্রা হচ্ছে 23 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যেতবেলে ফুলকোবি আসিযিব বা কড় আসিযিব সেথিপাই আমার তাপমাত্রা রহিবা দরকার 17-20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মাটির অম্লতা 5.5-6.5 ভিতরে রহিবা নিহাতি ভাবে আবশ্যক নহলে আমি লাভজনক ভাবে ফুলকোবি চাষ করে পারিবা না যদি এসিডিক হয়েছিল বা অম্লযুক্ত মাটি রে আমি ফুলকোবি চাষ করিবা তাহলে নিশ্চিত ভাবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হবা এবং খ্যারি থিবা মাটিরে মধ্যে আমি ফুলকোবি চাষ লাভজনক ভাবে করে পারিবা না কো কিসম আমি সহল ফুলকোবি চাষ করিবা পাই আমি ব্যবহার করিবা পুষা দীপালি পুষা আর্লি সিনথেটিক পুষা কনুয়ারি পন্থ কোবি 3 এমতি কেতগুড়িয়ে কিসম রয়েছে যেটা কি আমি সহল কিসম ভাবে ব্যবহার করে পারিবা তাছড়া বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে হাইব্রিড কিসম রয়েছে যা যে কিসমকু বি মধ্যে আমি সহল ফুলকোবি চাষ করিবা পাই ব্যবহৃত করে পারিবা এ তো গলা কিসম কথা তার পিছা আমার কেতে মঞ্জি আবশ্যক হব যদি আমি হাই ইল্ডিং ভেরাইটি বা অধিক অমলক্ষম বিহন ব্যবহার করিবা তাহলে আমাকে 375 গ্রাম বিহন দরকার হব গোটে হেক্টর জমিরে ফুলকোবি চাষ করিয়া পাই যদি হাইব্রিড মঞ্জি আমি ব্যবহার করিবা তাহলে আমাকে 250 গ্রাম হাইব্রিড মঞ্জি গোটে হেক্টর পাই দরকার হব আমার 35,000-40,000 পর্যন্ত আমার চারা দরকার হয়ে গোটে হেক্টর জমিরে আমি চারা লগাইবা পাই আমাকে প্রায় 100 মিটর স্কোয়ার জায়গা দরকার হয়ে চারা উৎপাদন করিয়া পাই 100 মিটর স্কোয়ারে আমি প্রায়
30 बेड करिपरिबा जोटा कि 3 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा एवं 15 सेंटीमीटर उच्चा हेतबा निहाती भाबरे दरकार। फुलकोबी चारा को आमे केते दूरता रे लगेबा, फुलकोबी चारा को मुख्य जमीरे आमे प्राय धाड़ी को धाड़ी 60 सेंटीमीटर रखिबा एवं गछ को गछ 45 सेंटीमीटर रखिबा। एपरि भाबरे जदि आमे रखिबा भल भाबरे सूर्यालोक पाइबो एवं सार खत पाणी ए सब भल भाबरे गछ ग्रहण करि परिबो, भल ग्रोथ हेबो एवं भल अमल मध्ये आमे तादरो पाइ परिबा। जे बेड गुडीक करिबा पूर्वरु माटीटिकु भल भाबरे चास करि देबा, माटी पूरा गुंड करि देबा। प्रति बेड रे फुलकोबी जोथरे चारा उत्पादन आपण माने करूथिबे, प्रति बेड रे 50 ग्राम सोडियम मोलिब्डेट एवं 100 ग्राम बोराक्स पाउडर पकेयाकु केबे भी भूलिबे नाही। काहेकि ना फुलकोबी रे दुई प्रकार आमर फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर देखा जाए, गोटे होची बोरन डेफिशिएंसी देखा जाए, गोटे होची मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी देखा जाए। जो तो बोरन डेफिशिएंसी हैला आमर ब्राउनिंग देखा जीवो, जो थरे कि आमे फुलकोबी भितरटा फंपा हे जाइथिवो एवं बादामी रंग कलर रो पैच पैच हे जाइथिवो, जोटा कि फुलकोबी रो मार्केट डिमांड बा बजार चाहिदा सेथिपाई कमी जाइथाए। एवं ह्विपटल डिजीज हेले मध्य पत्र गुड़िक धारुआ हो जाइथाए, फुलकोबी भल भाव बढ़ी नथाए एवं छोट फुलकोबी होइथाए। तेणु ए सबुर जत्न नेबापाई आमे प्रति बेड रे 50 ग्राम सोडियम मोलिब्डेट एवं 100 ग्राम बोराक्स पाउडर दबा मुख्य जमी को किपरि भाव प्रस्तुत करिबा। मुख्य जमी को आमे 4-5 ओड़ भल भाव चाष करदेबा, से सबु प्रकार घास कुटा काठी इत्यादि बाहर करदेबा। बेड गुड़ को भल भाव प्रस्तुत करिबा एवं गोटे कथा मन रखिबे, बेड को भल भाव प्रस्तुत करने पूर्व जितेबले संपूर्ण भाव बेड प्रस्तुत हो घास नियंत्रण पाई गोटे लिटर पानी रे गोटे ग्राम ऑक्सीफ्लोरोफेन पकईदे। पकई सारापर आपण चारा रोबे, चारा जिते कही 20-30 दिन होगला आम चारा मुख्य जमीन आम लगे, चारा गुड़ी कार्बेडाजेम देकर पुणि थे विशोधन करेंगे। गोटे लिटर पानी रे 2 ग्राम बाविस्टिन पकई कि चारा गुड़ी अध घंटे बुढ़े तापर मुख्य जमीन लगे। तापर देखा आमे जे शेष ओड़ चाष समय के खत बा सार यटी पकईवा फुलकोबी चाष करवा समय गोटे हेक्टर जमी रे आमे प्राय 15 टन सढ़ा गोबर खत आम पकेबा निहाती भाव दरकार। गुंठ प्राय 3-4 गुंठ एमती करुचंती, गुंठ हिसाब से बर्तमान कह भी केते सारा आपण पकेले भल भाव फुलकोबी चाष लाभजनक भाव में करें। शेष ओड़ चाष समय जो बेड प्रिपेरेसन करुचंती गोटे गुंठ पिछा 8 kg डीएपी एवं 2 kg पटाश सार देकरी आपण जमी को भल भाव प्रस्तुत करेंगे। तापर आम पुणी थरे 20-22 दिन पर जितेबले प्रथम हुड़ा टेका करिबा पुणी थरे आमे सेतिकी बेले 2 kg यूरिया एवं 2 kg पटाश सार दबा। ए तो गला आमर सार कथा। तापर आसीबा जलसेचन, माटीर आद्रता गछर अवस्था एवं वायुमंडलर अवस्था देखिके आमे जलसेचन करिबा। जदि शुष्क जलवायु होइथिबो ताहाले आमको 2-3 दिन भितरे आमको थरे जलसेचन करिया को पड़िबो। एवं शीत दिन जदि होइथिबो शीत दिन रे आमे सप्ताह रे थरे जलसेचन कले किसी असुविधा हेबो नाही। तापर देखिबा अंतचाष, जेतेबेले ऑक्सीफ्लोरोफेन आमे शेषोड़ चाष समय पकेथिबा 45 दिन पर्यंत आमर अनामना घास हेबो नाही। तापर जेतेबेले अनामना घास हेबो गोटे रु जोड़िए मानुअल वेडिंग कले आमे घास को नियंत्रण करि परिबा। ए गला आमर किपरि भाबरे आमे अंतचाष करिबा, सार पकेइबा, जलसेचन करिबा, ए सबु फुलकोबी चाष रे किपरि भाबरे करिबा से विषय रे डिस्कशन कले बा आलोचना कले। आज अन्नदाता आपण सेवा सोपान रे कहा प्रश्नर उत्तर रही आसंत जानिबा। आज अन्नदाता कार्यक्रम निशुल्क फोन सेवा माध्यम रे पूरी जिलार पिपली ग्राम रो चाषी विभुरंजन महापात्र से माछ पखरे माते परिमाण रे माछ जाळ छोडा जीवो सेई विषय रे किछि तथ्य जानिबा को चाहुचंत। आसंत जानिबा आमर ए प्रस्तुति। चाषी मानकर माछ जाळ डे होची मुख्य अधिका जरूरी होता है, कहीं गोटे चाष करवाक जो जाँल ठीक जाँल न मिलता है आदि आम ठीक समय न छाड़बू तेज आम चाषर बहुत क्षति होता है। फेब्रुवारी मसर जब चाषी मैंने पोखरी प्रस्तुत कराँल छाड़ा आरंभ करेंगे तो से अगस्त सेप्टेम्बर में मार बजार बिक्री करदे। आमर गोटे साधारणत गोटे भ्रांत धारणा अच्छी आगु जे आम बर्षा हेले पोखर मछजाण छाड़बू जे ना आम खरा दिन में मछजाण छाड़े खरार पा गरम हो माछ जाँल मरीज सी कहते गोटे भल धारणा मछ जब आप पोखर में 1.5 फुट रू 2 फुट पा अच्छे 2 फुट पाने
यदि आम आंगुली साइज पर्यंत माछ जमा छाड़ा तो से माछ जमा मरवा ना जिते खरा हम से माछ अधिक अधिक टाण हम जोभि कि आम आगे जाणीचु बहुत लोक जे खरा समय जो धान बुणाई था सी जो धान जो खरा खाई जो बुआड़े जो टाणी था सी बर्षा दिन में पोक लगे ना आउ बहुत जल्दी बढ़े बर्षा लगे भाया मछर में से भाई प्राक्टिकाल आम देखी बहुत क्षेत्र में जो मैंने जो चाषी मैंने खरा दिन में माछ छाड़ी से खरा समय माछ और जो खरा खाई टाण होता है वर्षा पाला मात्रे कि जो जो पोखर पा बढ़ी बढ़ी चले माछ से ही हार में अधिक अधिक बढ़ी बढ़ी चले चाषी मैंने फेब्रुआरी मस पोखरी प्रस्तुत कर मार्च एप्रिल माछ जमा छाड़ आरंभ कले अधिक उत्तम हम ए वर्षपाई तो आपंकर समय चलीगला आज रज पर कि आपंकर जुलाई अगस्ट छाड़ू से मछर ग्रोथ प्रथम वर्षा है क्षणी जे पोखर पा सुखी थो प्रथम वर्षा है क्षण से पोखर जो पाँच टिके व्यवधान बढ़ी जब से पोखर माछ छाड़े माछ अधिक अधिक ग्रोथ हम आम देखु जे वर्षा समय रे जो माछ खाद्य खाई था जो पेटर खाद्य खाला वर्षा हो जाए वर्षा होगापर से कौन कि माछ पेटर खाद्य हजम हो पारे ना जहाँफल सका आप देखते मानते बहुत समय भोर भोर माछ भासी पड़ती माछ पेटर खाद्य हजम नाफर माछ आम दाना जो खाद्य खाद्य दाना लस है प्लस माछ भासी पड़ा बेले बेले माछ मरी मत जाती तो से आमे जदि आमे मार्च एप्रिल माछ छाड़ा कि मे जून बर्तमान छाड़ा तो माछ आमर एक खरा समय माछ अधिक खाद्य खाई शीघ्र हजम कर अधिक रु अधिक ग्रोथ हम आउ बजार आम एक बर्ष माछ बिक्री कर लाभवान हो पार कि आप बर्षा दिन छाड़ से बर्षर पैसा आपई आपणकर आर वर्ष जून जुलाई हो जाए कहीं आपंकर वर्षा समय आप आंगुली मसाइज माँ छाड़े सी आपंकर नवेम्बर अक्टोबर नवेम्बर सुधा सी शहे देढ़श हो रही सी आ बढ़ा ना शीत दिन में जो शीत दिन आसीगले माछ खाद्य खाइबा ना जहाँ भी खाद्य खाए अल्प अल्प खाद्य खाइब आउ से भल बढ़ा ना तो सी पुणी सेमती रहा डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी गला पुणी मार्च मस खरा आसला सी पुणी खाद्य ग्रहण कर आ खाद्य खाइले से पुणी ग्रोथ हेले सी पुणी मे जून माछ आप बिके तेणु आपणकर एप्रिल मे मे जून रहा छाड़ू से बर्षर पैसा जो खर्च कर पोखर से सी अगस्त सेप्टेम्बर सुधा हो कहीं आंगुली साइज माछटा खरा समय छाड़े सी देस दुई मस भितर से देढ़श दुई ग्राम हो जाए आप जानते शहे ग्राम माछटा चारिमास भितर आम रोहीटा साधारण पाँच छःश ग्राम हो जाए आउ भाकुड़ के जी देढ़ के जी हो बजार जो चाहिदा अनुजाई आम छःश सात सौ ग्राम माछ आम बिकिपरू भाकुड़ बिकिपर तो से ही आम खरा दिन माछ छाड़बू छाड़े माछ आमर से ही वर्ष बजार बिक्री कर आम अधिक रु अधिक लाभवान हो पार आपण समस्या कि मतामत को आम निःशुल्क फोन में निश्चय पचारत समय अपराह चार पांचटा आउ नंबर टी हो